नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे और आपको एक ऐसे YouTube का जो नया अपडेट है उसके बारे में हम बताएंगे, ताकि जो है आप अपने चैनल पे एक जबरदस्त व्यूज और जबरदस्त सब्सक्राइबर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस पे आज पे बहस करूंगा। हमारे वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और काफी नॉलेजेबल वीडियो है। और ये वीडियो ऐसा भी है कि इस वीडियोस को देखने के बाद आपका जो है आने वाले समय में काफी इंप्लीमेंटेशन होने वाला है और इस तकनीक को लोग अपनाने के लिए बेताब हैं और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ये जल्दी जो चीजें हैं, जो जल्दी अपडेट है, वो सारे लोगों में आ जाए। कई यूट्यूबर्स में आ चुके हैं, कई यूट्यूबर्स में नहीं आए हैं। जिनमें आए हैं उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और जिनमें नहीं आया है वो इंतजार कर रहे हैं कि ये जो अपडेट है यूट्यूब का आ जाए। ठीक है, चलिए मैं शुरुआत करता हूं ऐसी चीजों से जिसमें आपको समझने में भी आसानी होगी और उसको इंप्लीमेंट करने में भी आसानी होगी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में तो ठीक है, जैसा मन किया वैसा वीडियोस डाल दिए, जिस टाइम मन किया उस टाइम वीडियोस डाल दिए, और फिर क्या किए कि जब समय मिला आपको, रात में, सुबह में, दोपहर में, जब भी समय मिला आप वीडियोस को अपलोड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में व्यूज आए या ना आए आपको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब आपके फिक्स्ड सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मतलब कि आपको हर वीडियोस पे अच्छे व्यूज मिलने लगे हैं, तो फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें जो है कब वीडियो को पब्लिश किया जाए ताकि हमें देख सके लोग। खास करके इंटरटेनमेंट की बात की जाती है, कॉमेडी की बात की जाती है और एजुकेशन की बात की जाती है, तो इसमें क्या है कि टाइम डिपेंडेंट है। मान लीजिए जैसे कि जैसे फूड एंड लाइक फूड खाना बनाने का चैनल बना रहे हैं, रेसिपीज का खाना आप चैनल बना रहे हैं, तो उसमें क्या है कि महिलाएं सुबह सुबह जगती हैं और 10-12 बजे तक बिजी रहती हैं, खाना बनाने में, घर की सफाई करने में, चूल्हा चौकट में बिजी रहती हैं। तो उनको क्या होता है कि दोपहर में टाइम मिलता है, तो वैसे रेसिपीज के लिए अगर आप उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपकी कोई महिला चैनल सब्सक्राइब की है, तो वो जो वीडियोज पब्लिश करते हैं अगर आफ्टर 11 या 12 बजे के अराउंड में करते हैं, तो सारी महिलाएं दोपहर में फ्री रहती हैं और उस टाइम आपके वीडियोज को देख सकती हैं, तो उसका अच्छा बेनिफिट मिलता है। और ये टाइमिंग का कोई मतलब नहीं, टाइमिंग पे तो ठीक है, लेकिन अगर वैसा सिचुएशन है कि आपके सब्सक्राइबर्स हैं और उस टाइम आप वीडियोस पब्लिश करते हैं, तो आपको जल्दी, मतलब आप जैसे ही अपलोड करते हैं आपको कम समय में ज़्यादा फोर्स के साथ आपको वैल्यू मिलेगी, आपको व्यूज मिलेगा, और जब ज़्यादा मिलेगा तो ऑडियो रिटेंशन जो है बढ़ने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और स्टार्टिंग जब व्यूज आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं तो फिर आगे समय तक अच्छा वीडियोज आता है। तो ये बेनिफिट होता है टाइमिंग का। ठीक है, और भी एजुकेशन वाले वीडियो जैसे स्टूडेंट्स फ्री होते हैं उस टाइम डालना, और एंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या करते हैं, फ्राइडे के बाद छुट्टी होता है तो थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए उनको वीडियो ऐसी मिलती है, तो फिर वो चीजें अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये सब टाइम डिसाइडेड होता है, बहुत सारे यूट्यूबर डिसाइड करके चलते हैं कि क्या करना है, कब करना है। ठीक है, लेकिन ये चीजें जो है बहुत लंबे समय तक चलती आ रही है, और अब जो है एक शेड्यूलिंग का भी जो YouTube अपडेट दिया था कि आप जो है किसी भी वीडियोस का शेड्यूलिंग कभी भी कर सकते हैं, आपको जब मन करे तब आप उसको एडिट करके उसको रख लीजिए, अपलोड कर लीजिए, और अपलोड करने के बाद एक टाइमिंग फिक्स कर दीजिए, और उस टाइमिंग पे अपने आप जो है वीडियो जो है यूट्यूब का ऑलरेडी शेयर हो जाएगा, ऑलरेडी पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई पुरानी अपडेट्स की। जो नई अपडेट्स है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा कि जो नई अपडेट्स आई है यूट्यूब का, हालांकि वो कुछ लोगों के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिला है कि हाँ ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, सही तरीके से वर्किंग है कि नहीं है, तो ये अपडेट जो है ये अपडेट आपको संडे से लेकर आपको मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, संडे टू संडे आपको पर आवर मतलब आपको हर घंटे और हर समय 2400 घंटे और पूरे वीक आपको एक इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कौन से समय पर आपके चैनल पे आ रहे हैं, एक्टिव जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कितने सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पे आ रहे हैं उस पार्टिकुलर टाइम में। और ये टाइम आपको संडे से लेकर संडे, 12 से लेकर 24 घंटे, सुबह से लेकर शाम, रात से लेकर दिन, कभी भी ये जो है आपको हमेशा वो ब्रीफाई करता रहेगा एक ग्राफ के माध्यम से। हालांकि मेरे अभी चैनल पे नहीं आया है, मैं आऊँगा तो मेरे चैनल पे जब आएगा तो मैं आपको पूरा उसका ग्राफिकली जो मेथड है उसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ऐसा एक आ रहा है अब जो कि इस प्रकार की चीज़ें कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका बेनिफिट होगा कि आपका जो यूजर्स हैं, आपके जो व्यूवर्स हैं, वो डायरेक्टली पता चल जाता है कि आपके चैनल पर कितने बजे ज़्यादा आएंगे, तो उस टाइम जो है अपने चैनल पे पैकेज अपलोड करके, उस टाइम अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करके उसका फायदा उठा सकते हैं। और उसका जब फायदा उठाएंगे, जब व्यूज आएंगे, तो ऑब्वियसली अब
स्टार्टिंग वाला जो व्यूज़ होते हैं वो आते हैं, तो फिर आपका वीडियोस लंबे समय तक जाता है और अच्छे व्यूज़ गेन कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी तकनीक मुझे लगता है कि यूट्यूब ने यूटिलाइज कर रहा है और ये सक्सेसफुल हो गया तो आप लोगों के बीच भी आ जाएगा। तो मैं आप सभी को यही बताना था, ये इन्फॉर्मेशन देना था आपको कि आपके चैनल पर अगर आता है तो आप इसको जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पर आएगा तो मैं फटाक से उस पर वीडियोज़ बना के आप कुछ भी शेयर करूँगा ताकि उसको आसानी से आप समझ पाएँ और आप भी अपने चैनल पर कैलकुलेट कर सकें कि आपके किस समय पर ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं, ताकि आपको उस समय वीडियो पब्लिश करने में आसानी होगी और उस टाइम अच्छे व्यूज गेन करने में आपको सफलता मिलेगी। तो ये अपडेट है, मैं आपको बता दूंगा जैसे ही आएगा मेरे पे, मैं आपके वीडियोस बना लूंगा। बाकी इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया पर जुड़ जाएं, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए। अगर कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई यूट्यूब से रिलेटेड कोई आपको समस्या है, तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हो सकेगा तो मैं इसका आंसर अपने आने वाले समय में, आने वाले वीडियोज़ में जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।